ये भाई 500 रुपये की टिकट का मज़ा, मतलब ये जो 500 रुपये की टिकट में कई चीज़ें और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी हमें, और ये आपको वीडियो में बखूबी दिखाएंगे। अब चलते हैं इसकी तरफ। ये गेट है, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। चलिए। और ये दोस्तों शास्त्रागार में चलते हैं गली में। होगी हमारी एंट्री। हाँ देखिए सर, जयगढ़ किले में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये गैलरी पहले सैनिकों के रहने के लिए बैरक इस तरह इस्तेमाल होती थी। इस तरह की पूरी फोर्ट की दीवारों के अंदर की तरफ पूरी फोर्ट में गैलरी बना रखी है जहाँ पे सैनिक रहते थे। अभी कुछ पार्ट यहाँ के लोग रहने के लिए बीच में पार्टीशन वॉल बना के कुछ स्टाफ फोर्ट में रहता है उनको दे रखा है, कुछ म्यूजियम में कन्वर्ट किया है, जिसमें से एक ये छोटा सा म्यूजियम बना है यहाँ पे अस्त्र शस्त्र का म्यूजियम। ये किला था, सुरक्षा के लिए बना था, डिफेंस के लिए था, अस्त्र शस्त्र होना यहाँ पे वाजिब था। और यहाँ पे काफ़ी अस्त्र शस्त्र सिटी प्लस म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया है जो अभी पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है। इसके अंदर कुछ आर्म्स है देखिए, जैसे तोप की बैरल है या आठ धातु की बनी है, इस तरह के हर ब्लॉक के अंदर लास्ट तक तोपों की बैरल, तोपों की नाल बनी हुई जो आठ धातु की है। और ये बिगुल युद्ध का अलाउंस करने के लिए, पहले धर्म युद्ध होता था, सुबह दिन सूर्य उदय होने के बाद दिन लड़ाई स्टार्ट होती थी और सूर्य अस्त होने के बाद लड़ाई बंद होती थी। और युद्ध के अंदर बिगुल से जो सामने आपके इसको बिगुल बोलते हैं, इसके अलाउंस करते थे, लड़ाई स्टार्ट होती थी, रणभेरी बोलते हैं इसको, और दिन अस्त होने के साथ में ही दोबारा से रणभेरी बजा के और युद्ध का बंद होने का ऐलान करते थे। तो इन सबके युद्ध में जितने भी शस्त्र शस्त्र जाते थे उनकी पूजा होती थी। तो आप आज भी आपको इस पूजा के अवशेष मिलेंगे, देखिए पूजा के निशान हैं, मंत्र मिलेंगे। युद्ध में जाने से पहले हर आर्म्स और वेपन्स की पूजा होती थी, युद्ध में जाने वाले हर सैनिक की पूजा होती थी। ये पूजा के निशान है, पूजा के मंत्र होते थे कि संस्कृत में मंत्र लिखे दुम दुबी मंत्र, इस तरह से हर आर्म्स और वेपन्स का, तलवार का, बंदूक, ढार, कटार, सबके मंत्र होते थे। युद्ध में जाने से पहले पूजा करके उनके मंत्रोच्चारण करके पूजा करते थे। और देखिए युद्ध में जाने वाले हर सैनिक की पूजा होती थी। पूजा कौन करता था उस समय, समाज को चार टुकड़ों में डिवाइड कर रहा था, सबका अपना अलग अलग काम था। जैसे आज काम दे रखा है, ये सेना का काम होगा, ये सिविल सर्विस वालों का काम होगा, ये ठेकेदारों का काम होगा। वैसे पूरे समाज को चार पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसे बॉडी के चार पार्ट होते हैं, ब्राह्मण जो सर गर्दन से ऊपर वाला जो दिमाग वाला यार समाज को दिशा निर्देश करेगा, छाती और बाजू है वो क्षत्रिय थे, जो समाज की सुरक्षा करेगा, देश और धर्म की सुरक्षा करेगा। जो पेट वाला उधर वाला पार्ट आता है वो वैश्य, जो पेट के लिए खाने पीने के और व्यापार का काम करेगा। शूद्र, शूद्र का मतलब कोई अछूत नहीं होता है, शूद्र एक समाज का एक पार्ट था, क्योंकि एक काम मार रखा था कि आप मेहनत का काम आप करेंगे, जैसे खेती करना है, मजदूरी करना है, पशु पालना है, ये शूद्र थे। आजकल लोग और बीच में जाके उसमें अछूत करके वो नाम उसको बदनाम कर दिया, ऐसा नहीं था, एक बराबर के काम थे, सिर्फ काम बांट रखा था। क्षत्रियों का काम था युद्ध में जाना, लड़ाई करना, तो जो लड़ाई में जाएगा, युद्ध में जाएगा वो कम भी होगा, मरेगा भी सही, दुश्मन को मारेगा। तो पोजिशन ये आ गई थी कि जब यहाँ पे मुगल लगातार अटैक हो रहे थे, यानी लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास हिंदुस्तान में पोजिशन ये आ गई, लगातार हिंदुस्तान पे जो हमले हो रहे थे, युद्ध में जो क्षत्रिय लड़ने जाते थे उनकी संख्या काफी कम हो गई थी। और युद्ध में जाने से पहले जो सैनिक युद्ध में जाता था, उसकी पत्नी अपने पति को युद्ध के लिए मोटिवेट करती थी, युद्ध के लिए उनको रवाना करती थी, उसको युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते थे ताकि वो हताश नहीं हो। पत्नी खुद और उसकी माँ भी उसको मोटिवेट करती थी, पिता मोटिवेट करता था। युद्ध में जाने वाले सैनिक को उसकी वाइफ पूरा कवच, बॉडी पे कवच पहनाती थी, जीरा बख्तर पहनाती थी, कमर में तलवार, कटार, ढाल और कवच पहना के, मुकुट लगा के, उसको तिलक लगा के, आरती उतार के युद्ध के लिए विदा करती थी, जैसे कोई शुभ काम के लिए जा रहा हो, क्योंकि देश की धर्म की रक्षा करना शुभ काम था। और युद्ध में जाने से पहले वो अपने माता से, पिता से आज्ञा लेता था कि पिताश्री मैं युद्ध में जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अब युद्ध में जा रहा है तो वापस आई या नहीं आई ये कोई जरूर नहीं होता था, इसलिए युद्ध में जाने से पहले अपने परिवार जन से मिल के जाता था ताकि उसका मन उनमें अटका नहीं रहे। माँ के पास जाके माँ से आगे लेता था कि माँ मुझे युद्ध के लिए विदा करो, माँ के पैर छूता था, माँ अपना दूध पिला के अपने बेटे को जो युद्ध के लिए जा रहा है उसको विदा करती थी कि बेटे मेरे दूध को लजा मत देना, यानी माँ भी उसको मोटिवेट करती थी। उसके बाद अपने पिता के पास जाता, पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेता था, पिता उसको अपने खून का वास्ता दिलाते थे कि बेटा जिस ऊपर हाथ रखे आशीर्वाद देते थे, हाथ रखे पीठ के ऊपर, और जिस पीठ पे मेरा हाथ रखा है बेटा उस पे तलवार नहीं लग जाए, यानी पीठ मत दिखा देना, युद्ध में जा रहा है, अपना क्षत्रिय धर्म निभाना, क्षत्रिय का धर्म होता है यानी इस देश और धर्म की सुरक्षा के लिए
अगर जरूरत पड़े तो अपने आप को न्योछावर कर देना, बलिदान कर देना, तो अपना क्षत्रिय धर्म निभाना, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाना या विजयश्री प्राप्त करना, लेकिन पीठ मत दिखा देना। ये उस समय के धर्म युद्ध होते थे और घर से उसको मोटिवेट करके भेजते थे। उसके बाद में युद्ध में जाने के बाद में जब युद्ध होता था, अपने माँ पिता पत्नी उसको युद्ध के लिए विदा करती थी, लेकिन युद्ध में जाने के बाद वो लोग भी अन्न जल छोड़ के उसका वापस आने का इंतजार करते थे कि शाम दिन ढलने के बाद में लड़ाई बंद होती थी, वो सब लोग अपने घर में आते थे। और अगर युद्ध में से वापस अगर वो नहीं आता था, माँ और पत्नी पिता इंतजार करते थे, नहीं आता था, तो रात सुबह दिन उदय होने से पहले ही माँ और उसकी पत्नी युद्ध के मैदान में जाती थी, अपनी बेटे और पति की डेथ बॉडी को ढूंढती थी। और डेथ बॉडी मिलने के बाद में उसकी माँ उसको पलट पलट के अपनी बहू को दिखा, देख बेटा मेरा बेटा देख वीर था, किसी भी पीठ पे घाव नहीं है, सामने छीने पे या चेहरे पे घाव, ये कायर नहीं था, वीर था, मेरा पुत्र वीर था, वो कायर नहीं था। उसकी पत्नी अपने वीर पति के सर सहु को डेथ बॉडी को अपनी गोदी में लेती थी, काफ़ी उसकी माँ इकट्ठे कर आसपास लकड़ियाँ इकट्ठे करती थी, उसको लकड़ियाँ देती थी और वो उसके ऊपर बैठ के वो अपने पति के साथ में सती होती थी, न्योछावर होती थी। यानी ऐसा वीर पति मेरे को अगले जन्म में मिले, तो एक परंपरा थी उस समय की, मोटिवेट करते थे। ये नहीं आज बाहर लड़ाई हो रही है, लोग एक कमजोर को एक ताकतवर मार रहा है या कोई दूसरे मार रहे हैं, तो औरतें घर में उसको अपने पति को बच्चे को अंदर खींच लेगी, कुंडी बंद कर लेगी, तो बाहर लड़ने वाले लड़ने दे, बाहर में जाए तू तो सेफ रहे, ऐसा नहीं होता था। पहले उसको ये मोटिवेट करते थे, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करते थे कि तुम्हारा ये धर्म है, अगर किसी निहत्ते पे या किसी कमजोर को कोई बलवान मार रहा है या गलत तरीके से मार रहा, तो उसको आप सुरक्षा करो, उसके लिए आपको लड़ना पड़े तो लड़ना भी चाहिए, उसके लिए मोटिवेट करते थे। तो मैं आप आज इस स्टोरी के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय थे, उनका काम धर्म युद्ध करना था, इस देश और धर्म की सुरक्षा करना था, उन्होंने इसके लिए न्योछावर हुए वो लड़ाई की। और एक जमाना ये आ गया था कि 13 साल से ऊपर क्षत्रिय कोई बचे ही नहीं थे, सारे युद्ध में मारे गए थे, लेकिन फिर भी देखिए उनकी माँ का हृदय अपने 13 साल के बच्चे को, अगर पत्नी नहीं है तो माँ उसको युद्ध के लिए विदा करती थी, उसका तिलक लगा के कवच पहना के आरती उतर के, जा बेटा तू क्षत्रिय का बेटा है तो तेरा धर्म है इस देश धर्म की सुरक्षा करना। 13 साल का बच्चा क्या लड़ेगा, युद्ध में जाके वो शहीद हो जाता है, लेकिन फिर भी एक माँ क्षत्रिय धर्म निभाने के नाते उसको युद्ध के लिए भेजती थी। और देखिए ये तोप के कारखाने का मॉडल है, तोप का जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में सबसे पहले मुगल लेके आए थे, मुगल अकबर बाबर लेके आया था, उससे पहले इंडियंस के बारे में नहीं जानते थे। और जयपुर आमेर के ढूंढा रियासत के राजा मुगलों के संपर्क रहे, उनके कमांड रहे, इसलिए तोप की टेक्नोलॉजी इनको मिली। मानसिंह ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया था, हालांकि मुगलों ने तोपों से इनको दूर रखा था कि टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचाई, लड़ने में राजपूत वैसे ही बहादुर थे, अगर तोपे इनको मिल जाती तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते, इसलिए मुगल इनको तोपों से दूर रखते थे। लेकिन मानसिंह ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया था, अफगानिस्तान में जितने भी तोप के कारखाने थे वो सारे नष्ट कर दिए, सारे टूल आमेर पहुंचाए, तोप के कारखाने के मॉडल बनवाए, वहां से कुछ कारीगर जो पठान होते थे वहां के, उन कारीगरों को 50 कारीगरों को यहाँ पे लेके आए, जो जेगट किले के अंदर तोप का कारखाना बनाया और वहां पे तोपे बनाना स्टार्ट किया। आज उन 50 कारीगरों के जो वंशज है आमेर और जयपुर के अंदर, उनके करीब 5,000 परिवार हो चुके, जो पठान है यहाँ की, जो अफगानिस्तान से राजा मानसिंह लेके आए थे। और देखिए ये बंदूकें हैं, ये बंदूकें जिनपे किसी बंदूक पे आइवरी का काम है, किसी पे गोल्ड की पेंटिंग की हुई है, ये लंबी बंदूकें स्पेशल डेकोरेटेड है रॉयल लेडीज के लिए, क्योंकि उस समय लड़ाई के अंदर रानियां भी जाती थी, राजकुमारी भी जाती थी युद्ध के लिए, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, तो युद्ध में जो बंदूकें यूज करती थी या जो ट्रेनिंग मिलती थी उनको, उनके लिए स्पेशल डेकोरेटेड है, ये आइवरी से गोल्ड का काम किया हुआ है, ये बंदूकें रॉयल लेडीज के लिए थी। और देखिए तलवारें भी है इसके अंदर, तलवारें भी अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग रिलीजन की अलग तलवार होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी।